ये देखिए हमारा घी, मेरी कटोरी देखिए कितनी बड़ी है, फुल हाफ लीटर से ऊपर है ये, क्योंकि घी वेट में थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, घी मोटा होता है वज़न भी थोड़ा ज़्यादा होता है इसका। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास करीब 20 दिन की मलाई, और इसे मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। और आज मैं इससे बनाऊंगी घी, इसीलिए मैंने इसको करीब 2-4 घंटा पहले फ्रीजर से निकाल कर ऐसे ही नॉर्मल फ्रिज में रख दिया था, फ्रीजर से बाहर कर दिया था लेकिन फ्रिज में ही था बोलिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसमें अभी भी ये बर्फ़ के टुकड़े जमे हुए हैं, ये देखिए मलाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है और अभी भी ये एकदम सख्त है। ये सुबह की डाली है मैंने इसलिए नरम है, बाकी ये देखिए हार्ड है पूरी। तो आज हम बनाएंगे इससे घी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ मलाई को। तो फ्रेंड्स ये बहुत हार्ड है, देखिए चम्मच ही नहीं घुस रहा है इसके अंदर, क्योंकि अभी भी इसमें बर्फ जमी है। तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी करती हूँ, उसके ऊपर ये बर्तन को रखूँगी तो थोड़ा घी मेल्ट होगा मतलब मलाई, उसके बाद इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। तो ये मैंने चढ़ा दिया है एक पतीले में गर्म पानी, इसमें थोड़ा टाइम जा रहा है हमारा। आप लोग चाहें तो जब घी बनाना है आपको मलाई आप फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रखिए 1-2 घंटा, उसके बाद आप बाहर रख दीजिए। जब आप बनाएंगे उसके 1-2 घंटा पहले बाहर रख दीजिए, उससे मलाई रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी और ये आराम से मतलब हम इसको फेंट पाएंगे, हमको ऐसे गर्म पानी करके उसके ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको आसानी से फेंट। जो मलाई है मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है इसमें, बस थोड़ा बहुत टूटा जिससे कि मतलब ये पतीले के अंदर मैं डाल पाई बोली मलाई को, बाकी ये देखिए अभी भी बर्फ जमी हुई है। तो अब इसको हम फेंटेंगे, बताती हूँ कैसे। तो ये जो हमारा गर्म पानी था इसके ऊपर हम अब रखेंगे ऐसे, तो देखिए गर्म पानी नीचे आते ही ये सॉफ्ट होने लगी है, ये देखिए बस ऐसे करते करते हम इसको मेल्ट होने तक ऐसे ही करेंगे, उसके बाद इसको हम ऐसे ऐसे करके फेंटेंगे बढ़िया। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो मलाई है वो सॉफ्ट हो गई है, जिसको हम ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर 1-2 मिनट, इसको ऐसे ऐसे चलाएंगे, फिर ये जब सॉफ्ट हो जाएगी तब इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। ये फ्रेंड्स हमारी मलाई एकदम सॉफ्ट हो गई अभी, अब हमने इसको गर्म पानी के बर्तन से हटा दिया, देखिए कोई बर्तन नहीं है नीचे, अब इसको हम बस ऐसे कंटिन्यू ऐसे करके, देखिए फ्रेंड्स मलाई कितनी सॉफ्ट हो गई है, देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुकी है मलाई हमारी। अब इस 1 मिनट और फेंट लूँगी मैं इसको, ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा हैवी हो जा रहा था, इसके अंदर सारी मलाई घुस जा रही थी इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया, अब स्पून से फेंट रही हूँ अभी। तो फ्रेंड्स पता कैसे करें कि हमारी मलाई फिट गई है, जब मलाई फेंटने में एकदम सॉफ्ट हो जाए फ्लफी हो जाए आप समझ जाइएगा, और आपको फेंटने में मेहनत ना लगे बस तब समझ जाइएगा कि हमारी मलाई फिट चुकी है बहुत अच्छे से। और इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो ये देखिए ये रहा थोड़ा ठंडा पानी और इसमें आइस क्यूब डाल दिया मैंने, अब मैं सीधे इसको इसमें ट्रांसफ़र करूँगी और अब जो जादू होगा उसको आप लोग देखिएगा। हमारा जो सारा बटर है 1 सेकंड में ऊपर आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है चलाएंगे इसको। किनारी में भी अच्छे से ले लीजिएगा ताकि जो हमारी मलाई चिपकी हुई है इधर उधर वो भी आ जाए सेंटर में। तो आपको ये बर्तन वगैरह साफ करने की बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ट्रिक मैं आपको बाद में बताती हूँ आपको कैसे साफ करना है बिना किसी मेहनत के वो भी। तब इसको हम साइड में रख देंगे, अब हमारा टाइम आ गया है हाथ को मैसी करने का पूरी तरीके से, क्योंकि अब हमें इसकी बॉल बनानी पड़ेगी। तो अब हम इसको हाथ से ऐसे कर करके इसकी एक तो बॉल बना लेंगे, अगर आपसे एक पार्ट में ना निकले तो आप इसको 2 पार्ट में भी बॉल बना के मतलब निकाल लीजिएगा आराम से, क्योंकि 2 बार लगेगा ही, आज मेरा मलाई थोड़ा ज़्यादा ही है। और इसको हम निकालेंगे दूसरे बर्तन में, उसमें भी हम ठंडा पानी रखेंगे। ये देखिए इस तरह से
ये हमारा बटर रेडी है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे और इसका थोड़ा बाहर रखेंगे थोड़ी देर, जो एक्सेस पानी है निकल जाएगा इसका। इसके बाद हमारा जो बटर है वो रेडी है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं, लेकिन मैं घी बनाऊंगी। आप इसको जितना ठंडा पानी मिलते जाएगा ये उतना टाइट होते जाएगा, तो बस हमको ऐसे करके धो लेना है थोड़ा सा। आज गर्मी बहुत है, मेल्ट हो जा रही है हमारी जो ऊपर ऊपर की बटर है। ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा इसको वॉश करना है, ऐसे गोल गोल घुमाते जाइए आप लोग। ऐसे इसको प्रेस मत कीजिएगा वरना ये टूट जाएगा। हल्के हाथ से ऐसे ऐसे गोल घुमाना है और इसको हमको वॉश कर लेना है ऐसे। अब इसको मैं एक और पानी से धो लूंगी। ये मैंने इसको दूसरे पानी से भी धो लिया है बहुत अच्छे से। ऐसे पकड़ लेंगे थोड़ी देर कढ़ाई में डालने के बाद। अब हम कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और थोड़ी देर इसको 2-4 सेकंड के लिए ऐसे पकड़ेंगे ताकि जो पानी निकल रहा है वो निकल जाए। बस दिखा इसको हम सीधे कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए ये जो मेरे हाथ में एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है उसको मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको ये सब साफ करने के लिए मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। चम्मच हो गया या फिर आप जो भी ले रहे हो यूज करने के लिए, बस उसको भी ऐसे कढ़ाई में डाल दीजिए, वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा सारा और हमको धोने में परेशानी भी नहीं होगी। तो देखिए दोनों 1 सेकंड में साफ हो गए। टाइम लग रहा है मेरी कढ़ाई छोटी हो गई है, थोड़ा सा गिर गया। आप लोग थोड़ा बड़ा बर्तन लेना देख दाख के। तो उबाल आने पर गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिएगा, मैंने स्लो करने में थोड़ा टाइम लगा दिया इसीलिए थोड़ा सा निकल गया। बोलिए बस अभी फ्लेम स्लो ही रहेगा, स्लो में पकाना है इसको। हाँ तो चलिए आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं। हाँ क्या बोल रही थी, ऐसे घी बनाने से फायदा ये है, मतलब सॉरी कहाँ दिखा रही हूँ मैं फायदा ये है कि जो करौंदी होती है ना, जैसे हम घी को मतलब मलाई को डायरेक्ट हम जो कढ़ाई में डाल के गर्म करते हैं तो जो लाल लाल मलाई का क्या निकलता है, करौंदी बोलते हैं बहुत से लोग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो वो करौंदी इसमें बहुत ही कम निकलती है, ना के बराबर। जितना भी निकलेगा प्योर में, मतलब जो हमारा घी निकलेगा करौंदी नाम की निकलेगी। यहाँ पर आपने देखा मेरा 1 किलो से ज़्यादा का ही बटर बना था। अब देखते हैं इसमें घी कितना निकलता है। तो बस अब इसको स्लो फ्लेम में पकाना है थोड़ा, और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है, इसे छोड़ मत दीजिएगा वरना नीचे से जल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया उबाल आने पर आपको गैस का फ्लेम स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम में इसको हमें अभी पकाना है। जब ये जो पानी दिख रहा है ये सूख जाएगा, उसके बाद आप चाहें तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मतलब मीडियम कर सकते हैं, लेकिन फुल मत कीजिएगा। थोड़ा पेशेंस वाला काम है, जितना आप धीरज धरेंगे उतना आपका काम अच्छा बनेगा। जैसे कि आपने देखा मेरा भी गैस फुल था तो थोड़ा सा गिर गया। बोलिए तो ये फालतू की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो घी बनाए तो फ्री टाइम पर बनाए, ऐसा नहीं कि अभी घी बना के कुछ और काम है, फ्री टाइम में आराम से बनाइए इसको। तो देखिए लगभग 5 मिनट से ऊपर हो गया है इसको मुझे बनाते हुए, लेकिन अभी भी पानी नहीं सूखा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बोलो इसमें सॉरी यार, मैं मोबाइल हाथ में रखी हूँ, इधर उधर हो जा रहा है मोबाइल खराब। तो फ्रेंड्स ऐसे ही थोड़ा फ्लेम बढ़ा के 2 मिनट पकाने के बाद अब देखिए मेरा घी निकलना स्टार्ट हो गया है एकदम थोड़ा थोड़ा। अब पानी भी सूख जाएगा जल्दी। इस स्टेज पे आप चलाते रहेगा, नहीं तो क्या है ना नीचे लग जाएगा, फिर वो कढ़ाई माजरे में बहुत दिक्कत आती है। ऐसे चलाते रहेंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा नीचे। एक तो लगने का कारण यही होता है कि हम चलाते नहीं है, नीचे चिपक जाता है।
ये देखिए फ्रेंड्स, जो किनारी में और बबल्स के अंदर है सारा घी है, घी निकलना स्टार्ट हो गया है। और अभी मैंने फ्लेम भी बढ़ा दिया है, अब इसको चलाते रहेंगे हम लोग। ये देखिए एक मिनट नहीं लगा और सारा घी निकलना स्टार्ट हो गया। और इस स्टेज पे गैस का फ्लेम फुल है मेरा। अगर आप कंटिन्यू नहीं चला रहे हैं तो फ्लेम कम रखिएगा। देखिए सारा घी हमारा निकल गया है। बाकी अब हम फ्लेम को कम कर देंगे, नहीं तो घी हमारा जल जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो देखा आपने कितना जल्दी हमारे घी निकल के रेडी हो गया है। और जो करौंदी है, मैंने बोली थी ये देखिए ये चीज़ कितनी कम मात्रा में निकलेगा। अगर हम डायरेक्ट मलाई को सीधे कढ़ाई में डाल के बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा निकलती है। मैं जब इसको छलनी में छानूंगी तब आपको बताऊंगी, ऐसे पता नहीं चलेगा कितनी कम निकली। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा दिख रहा है। ये देखिए ये बबल्स। तो बस मैं और 2 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद फ्लेम को बंद कर दूंगी। तो बस आप लोग देख सकते हैं, अब मैं कर दूंगी गैस का फ्लेम बंद। अभी जो हमारी करौंदी है वो देखिए क्रीमी कलर की हुई है, ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं हम लोग, बस तब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। ये देखिए फ्लेम ऑफ। अब हमारा घी रेडी है, हम इसको छान लेंगे। देखिए मेरे पास स्टील वाली छलनी है, इससे मैं छान ले रही हूँ फटाफट। और हमने जो हमारी करौंदी है इसको क्रीम कलर का ही रखा था, तब तक ये पक गई है देखिए, इसीलिए मैंने कहा था फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब ये जो है इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे थोड़ा थोड़ा। ऐसे प्रेस कर देंगे, जितना भी घी इसमें होगा वो निकल जाएगा और ये हमारी काम आएगी आगे। बस निकल चुका है, कटोरी में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी बचा हुआ घी भी छान लेंगे फटाफट, ओवर कुक ना हो। और आप लोग देख सकते हैं मेरा 1/2 लीटर से ज्यादा ही घी निकला है, कटोरी फुल हो गई है। अभी मुझे लग रहा है दूसरी कटोरी लेना पड़ेगा मेरे को, देखती हूँ अगर इसी में आ जाए तो। ये थोड़ी देर ठंडा होगा, उसके बाद मैं इसको जो हम चाय छन्नी होती है ना उससे छानूंगी, उसके बाद इसको डब्बा में डालूंगी ताकि जो 1-2 दाने हैं ये मलाई के वो भी निकल जाए। तो आप लोगों ने देखा पूरा 1/2 लीटर से ज़्यादा घी है एंड ये करौंदी, इसमें ये चीज़ कितनी कम निकली है। इस करौंदी को थोड़ा सा चीनी डाल के मैं पका लूँगी, थोड़ा चीनी मेल्ट कर दूँ तो ये हमारी कलाकंद बन जाएगी।